नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपकी सुनने। पता है बच्चों, आज हम क्या सुनने वाले हैं? आज हम सुनेंगे आनंदमयी एक कविता, चार दिशाएं। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप यह बताइए कि यदि दिशाएं ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि हमें किधर जाना है? दिशाएं ही तो हमें बताती हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें किस ओर जाना है। यदि दिशाएं ना होती तो ना हमें ये पता चलता कि सूरज किधर से निकलता है और ना यह पता चलता कि सूरज किधर को छिपता है। ना हमें ये पता चलता कि हवा किस दिशा से आ रही है और किस दिशा की ओर हवा जा रही है। या यूं कहें कि दिशाओं का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब देर किस बात की? आइए सुनते हैं और देखते हैं इस आनंदमयी कविता की एक प्रस्तुति और जानते हैं चार दिशाओं के बारे में। निकलता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाई ओर दिशा उत्तर की, दाई ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती है यो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। निकलता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाई ओर दिशा उत्तर की, दाई ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि वैसे तो सूरज ना निकलता है और ना ही डूबता है। ये सिर्फ हमारी धरती यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर दिन रात घूमने के कारण होता है। इसीलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त होता दिखाई देता है और इसी से हम दिशाओं का भी पता लगाते हैं। समझ गए ना आप? प्यारे बच्चों, मजा आया ना? कविता को सुनकर और उसके भाव को समझकर अब जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जो बढ़ाएंगे हमारी समझ को। बाई ओर, जिसे हम उल्टा हाथ या अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड भी कहते हैं। जैसे चित्र में मेरे बाई ओर रिया खड़ी है। दाई ओर, जिसे हम सीधा हाथ या अंग्रेजी में राइट हैंड भी कहते हैं। जैसे चित्र में मेरे दाई ओर केशव खड़ा है। चलिए, अब समय है कविता की समझ को जानने का, जिसे जानेंगे हम बातचीत से। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के जवाब के लिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? भाई, मैं तो सुबह के समय सूरज के उगने और शाम को छिपने से दिशाओं का पता लगा लेती हूँ, जैसा कि कविता के माध्यम से भी बताया गया है। निकलता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाई ओर दिशा उत्तर की, दाई ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको कुछ शब्द देने वाली हूं जिनका प्रयोग कर आपको अपनी एक कहानी बनानी है। सबसे पहले मैं एक कहानी बनाती हूं। एक जंगल में शेर, हाथी, लोमड़ी आदि जानवर रहते थे। एक दिन आकाश में बादल छा गए और बहुत तेज बारिश के साथ ओले पड़ने लगे, जिससे पानी में रहने वाले जीव तो खुशी खुशी नाचने लगे, परंतु जमीन पर रहने वाले जीव जैसे चींटी, खरगोश, लोमड़ी आदि पानी के अधिक बहाव के डर से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। और जब बरसात बंद हो गई तो सभी अपने अपने घर चले गए। कहानी अच्छी लगी ना? अब आप भी इन्हीं शब्दों
या इनसे मिलते जुलते शब्दों से अपनी अपनी कहानी बताइए और अपने शिक्षक शिक्षिका और साथियों को सुनाइए। जरा सोचिए, यदि आप कक्षा के बीच में बैठे हैं तो आपकी दाईं ओर और आपकी बाईं ओर आपके कौन कौन से साथी बैठे हैं, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। और ये भी आपको ही बताना है कि आपकी दाईं ओर और आपकी बाईं ओर आपके कितने कितने साथी बैठे हैं या खड़े हैं। चलिए एक उदाहरण से पहले मैं बताती हूँ। मेरे दाईं ओर रश्मि, चिंकी और विवेक बैठे हैं, जो कुल तीन हैं। और मेरे बाईं ओर रवि और केशव बैठे हैं, जो कुल दो हैं। तो बताइए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मान लीजिए कि आप भी उसी कक्षा में बैठे हैं, तो आपके दाईं ओर और आपकी बाईं ओर कितने कितने साथी बैठे हैं? बताइए और लिखिए अपनी कॉपी पर और अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइएगा जरूर। आइए अब हम चारों दिशाओं का एक दिशा सूचक बनाते हैं और खाली जगह में दिए गए चित्रों को रखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं रखती हूँ दक्षिण दिशा का चित्र, यह लीजिए। चलिए आपके लिए उत्तर दिशा का चित्र भी मैं ही रखती हूँ, यह लीजिए। बाकी दो अब आपको भरने हैं। चलो बच्चों, शुरू करो जल्दी जल्दी। आशा है बच्चों, आपने इस कविता का न केवल खूब आनंद उठाया होगा बल्कि अपनी समझ को भी बढ़ाया होगा। तो क्यों ना हम भी चार दिशाओं को लेकर इसी तरह की एक कविता या कहानी बनाएं और अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा करें, वे बहुत खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह गुनगुनाते रहिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि कविता ही तो है जो हमारे भावों को दूसरों के भावों से मिलाती है। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और यूं ही खिलखिलाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।